बच्चों, अब मैं आगे जो है वीडियो में इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। पहला हमारा टॉपिक है वैद्युत ऊर्जा। तो आप जानते हैं जब किसी चालक को जो है बैटरी के सिरों से जोड़ा जाता है तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनियमित गति करते हैं, और नियमित गति करने के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलकर यह जो है धारा का रूप लेते हैं, आवेश को प्रवाहित करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो जब वह नियमित गति करते हैं तो चालक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, जो स्थिर धारायन होते हैं, उनसे ये टकराते हैं, जिससे कि कहने का मतलब है कि चालक तार का ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि चालक तार का ताप बढ़ जाता है, जिसे हम विद्युत धारा का उसमें प्रभाव भी कहते हैं। आगे आपको बताया जाएगा, हाई स्कूल में आपने पढ़ा भी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसका तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन को किसी नियमित दिशा में जो है अगर गति कराना है, नियमित गति कराना है, तो निश्चित है कि बाहर से ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, या हमें आवेश को प्रवाहित करने में कार्य करना पड़ेगा। तो यह जो आवेश को प्रवाहित करने में कार्य किया जाता है वही कार्य जो है वैद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो परिभाषा बहुत साधारण सी है कि किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो वैद्युत ऊर्जा को जो है यहाँ किससे दिखा रहे हैं, W से। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी वोल्ट हो तथा कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है, तब वैद्युत ऊर्जा W बराबर आवेश गुणे क्या होगा, विभवांतर क्यू इंटू बी, या बी इंटू क्यू भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ क्यू जो है प्रवाहित आवेश की मात्रा है और बी जो है बैटरी के सिरों के बीच का विभवांतर है चालक तार के। अब आप जानते हो ओम के नियम से कि I बराबर क्या होता है, क्यू अपान क्या है, टी। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम धारा के पद में इसको लेके आए तो W बराबर वी आई इंटू क्या होगा, टी होगा। ओम के नियम से अगर हम चले तो वी अपान आई बराबर क्या होता है बच्चों, आर। यदि हम वी की जगह पर रखें आई इंटू आर हो जाएगा, तो ये एक फार्मूला बन जाता है आई स्क्वायर आर इंटू क्या है, टी जूल। फिर अगला हमारा जो है यदि हम आई आर की जगह पर वी रख दें तो क्या होगा कि W बराबर वी स्क्वायर टी अपान क्या होगा, आर जूल, जहाँ आर जो है चालक तार का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। तो मतलब यह है कि यह जो है कन्वर्जेशन, यह जो कन्वर्ट हमने किया है, यह कन्वर्ट जो है आप बड़े आसानी से पीछे के रिलेशन से कर सकते हैं। मेन फार्मूला याद रखिए वैद्युत ऊर्जा जो W है क्यू इंटू वी के क्या होती है, बराबर होती है। यदि इसे आप जो है कि जूल से कैलोरी में बदलना चाहें तो 4.2 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ये किसमें चेंज हो जाएगा, कैलोरी में, क्योंकि आपको बताया गया है पीछे भी कि एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल लगभग। तो यह जो है कि कैलोरी को जूल में अंतर से कैलोरी में चेंज करने के लिए आप 4.2 गुणक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमारा जो है टॉपिक है अगला वैद्युत शक्ति। वैद्युत शक्ति क्या होती है बच्चों, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर या व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P बराबर W अपान क्या होगा, T, जहां P जो है व्यय वैद्युत शक्ति होगी, हमारे W जो है व्यय वैद्युत ऊर्जा है, और T जो है क्या है, समय है। यहाँ से शक्ति का मात्रक अगर देखेंगे तो जूल प्रति क्या आएगा, सेकेंड, या जूल एक जूल प्रति सेकेंड बराबर एक वाट होता है। तो इसको W अपॉन T, इसका मात्रक जो महत्वपूर्ण है वाट है, जैसे बल्ब पे आपने लिखा देखा होगा 100 वाट, 200 वाट, 10 वाट, 5 वाट, तो क्या बताता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो इन सब चीजों को जो है कि आप जल्दी पढ़ने का और समझने का तरीका सीख लीजिए। इंजीनियरिंग कार्य जो होते हैं बच्चों उसमें जो है कि शक्ति को प्रायः जो है हाफ पावर में दिखाया जाता है, अशुशक्ति में, एक अशुशक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट। जैसे आपने सुना होगा कि 5 हॉर्स पावर का मोटर है, 65 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, तो ये हॉर्स पावर क्या किस चीज को व्यक्त करता है,
मतलब एक चीज को व्यक्त करता है वो शक्ति को, और एक हॉर्स पावर में कितनी जो है कि वाट होते हैं, 746 वाट। मैं अब आपको बताऊं कि जैसे जो घरेलू या हमारी कंपनियों में बिजली खर्च होती है तो उसके मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में तमाम चीजें हैं और पूरा समाज ही जो है मापन पे जो है टिका हुआ है कि अगर हम कुछ लेते हैं तो उसके समतुल्य कोई चीज जो है क्या करते हैं, देते हैं। तो जैसे गेहूं है, चावल है, इसको आप तौलने की प्रणाली देख रहे हैं, बड़े बड़े ट्रकों को जो है कि तौलने के लिए बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं, तो ये सब सिस्टम है। कपड़े को तौलने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं, समय को जो है कि मापने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं। तो आप सोचिए कि घरों में जो बिजली जो है खर्च होती है हमारे घरेलू कार्य में या कंपनियों में, तो सरकार किस तरह से जो है कि मापन करती है। आपको ये मालूम होगा, आपके मॉडर्न जमाने के बच्चे हैं, कि जितना बिजली खर्च करेंगे, शहरों में आप ये सिस्टम जो है लागू हो चुका है कि जितनी बिजली आप खर्च करेंगे आपका बिल भी उतना ही आएगा, अगर कम करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा। ऐसा क्या सिस्टम है, कोई ऐसा मेजरमेंट जरूर है जो मापन के लिए जो लगता है, तो आपको सीधा समझ में आता है कि मीटर लगा हुआ है, बिजली में क्या लगा हुआ है, मीटर। तो मीटर लग जाता है तो मीटर से मापन कैसे करते हैं, हम जानते हैं आपको जो है कि इसके मापन की एक इकाई है BTU। BTU का मतलब क्या है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, अर्थात किलो वाट घंटा में नापी जाती है, जिसको साधारण भाषा में हम कहते हैं यूनिटों की क्या है, संख्या। तो यूनिटों की संख्या, अगर एक यूनिट बिजली खर्च करेंगे, जैसे आप मान लीजिए सरकार ने निर्धारित किया कि एक यूनिट बिजली खर्च होती है तो 5 रुपए जो है लगेंगे, तो यदि आप महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं तो निश्चित है कि आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको मालूम हो जाएगा, मीटर देख के आप अपना बजट समझ सकते हैं कि इस महीने में हमें 500 जो है बिजली क्या है का बिल भरना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो है कि इस चीज को जानकारी में रखिए। तो यूनिटों की संख्या किसे करने, बहुत आसान सी परिभाषा है, अक्सर परीक्षा में पूछ देता है कि किसी वैद्युत परिपथ में एक घंटे में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को या खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को हम जो है 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, जबकि परिपथ की वैद्युत शक्ति कितनी हो, 1 किलोवाट। तो इतना जानने के बाद बच्चों अब आओ, हाई स्कूल में 10 में आप लोगों ने पढ़ा है कि प्रतिरोधों का संयोजन, तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार का है, श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, और जब कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तथा कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, यह संयोजन जो है मिश्रित क्रम हो जाता है। तो मिश्रित क्रम में पे जो है देखकर ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा प्रतिरोध मिश्रित क्रम है। मैं आपको बताता हूँ श्रेणी क्रम संयोजन, जब यहाँ ये जो बना हुआ है इसे भी लीजिएगा, तार भी हमारा प्रतिरोधी होता है, लेकिन इसमें परिपथ में व्यक्त करने का तरीका इस तरह से बना है तो आप समझिएगा कि यह प्रतिरोध को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब एक प्रतिरोध में, ये देखिए प्रारंभिक सिरा एक है, अंतिम सिरा, जब एक प्रतिरोध के अंतिम सिरे को दूसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे को तीसरे प्रतिरोध के प्रारंभिक सिरे से जोड़ दिया जाता है, यह संयोजन जो है परिपथ में क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जैसे हमने यहाँ मान लिया है कि देखिए बैटरी है, ये प्लस सिरा एक है, माइनस सिरा है, हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 जो है परिपथ में जो है प्रयुक्त हुए हैं, जिनके सिरों के विभवांतर V1 V2 और क्या है V3 है। अब याद रखने वाली बात यह है कि परिपथ में यदि प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों में धारा समान बहती है, लेकिन उनके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमने मान लिया कि 3 प्रतिरोध जो R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के विभवांतर क्रम से V1 V2 और क्या है V3 है, तथा सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा क्या है I है, तब ओम के नियम से पहले चालक पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच जो है विभवांतर V1 बराबर क्या होगा IR1, इसी प्रकार V2 बराबर क्या होगा IR2, V3 बराबर क्या होगा IR3। तब आप जानते हैं कि विभव एक अदिश राशि है, V बराबर में परिणामी विभव क्या होगा V1 V2 क्या है V3। यदि हम यहाँ से आई से भाग दे रहे हैं V/I R1 R2 R3, यदि हम तीनों प्रतिरोधों की जगह एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त करें जिसका मान तीनों प्रतिरोधों के तुल्य हो, उसे हम परिणामी प्रतिरोध कहते हैं या शुद्ध प्रतिरोध कहा जाता है। तो V/I बराबर यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो R/R1 R2 क्या होगा R3, अर्थात यह प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला है।
और इस फार्मूले से जो है कि आप जो है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। याद रखने वाली बात है कि जब परिपथ में अधिक प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और जब प्रतिरोधों को जो है कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब बच्चों मैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन आपको समझा रहा हूं। जैसे जब सभी प्रतिरोधों का प्रारंभिक सिरा एक ही स्थान से, जैसे यहाँ देखिए यहाँ प्रतिरोध R1 R2 और R3 है, सबका प्रारंभिक सिरा एक ही स्थान A से, और जो है कि अंतिम सिरा जो है किसी एक ही स्थान जो है से जो है जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का संयोजन जो है क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन में याद रखने योग्य बात यह है कि सभी चालक तार के सिरों के बीच या प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान होता है, लेकिन सब में बहने वाली धाराएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हमने मान लिया है कि तीन प्रतिरोध है R1 R2 और क्या है R3। पहले प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 है, दूसरे में I2 है, तीसरे में क्या है I3 है। तब हम देखें तो कहने का मतलब ओम के नियम से I1 बराबर V/R1, I2 बराबर क्या हो जाएगा V/R2, और I3 बराबर V/ क्या होगा R3। तब धारा एक अदिश राशि होती है जिसे साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। तो जो कुल धारा I बराबर I1 + I2 प्लस क्या होगा I3। I1 की जगह पे यहाँ से रख सकते हैं V/R1, I2 की जगह पे रख सकते हैं V/R2, I3 की जगह पे V/ क्या रख सकते हैं R3। अगर हम बी से भाग दें दोनों पक्षों में तो I/V बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/ क्या है R3। अर्थात यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों की जगह पे एक ऐसा प्रतिरोध मानें जो जिनका तुल्य प्रतिरोध जो है इनके जो है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम के क्या योग के व्युत्क्रम के बराबर हो, तो जो है कि कहने का मतलब उसे हम तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तो अगर तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/ क्या है R3। इस फार्मूले की सहायता से आप समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का जो है कि तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। और याद रखिएगा जब परिपथ में कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो हमेशा प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है।